अच्छा, हमने ऑर्गेनिक जब पढ़ी थी तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको सबको पता है कि टोटल कितने आइसोमर से पूछा जाता है, कुल कितने समावयवी हैं, या फिर पूछा जाता है इनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, फिक्स टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा ही चर्चित टॉपिक है आइसोमेरिज्म समावयवता जो अपन ने ऑर्गेनिक में सीखी है। लेकिन यही टॉपिक यही चीज़ इनऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी सीखनी है, अकार्बनिक रसायन में भी सीखनी है और ये चीज़ अपन सीखने जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो चलिए मैं नवीन जोशी कंटिन्यू करता हूँ आपके सामने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक छोटा सा हिस्सा दैट इज आइसोमेरिज्म, बहुत अच्छी काम की और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेसिकली आज अपन चर्चा करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है और वो ऑर्गेनिक से कैसे अलग है और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके टाइप्स वहीं जैसे हैं या कुछ अलग हैं, तो वो सारी बातें अपन डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आइसोमेरिज्म, हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर चीज़ लिखेंगे अपन लोग साथ के साथ। तो हेडिंग क्या, आइसोमेरिज्म। हिंदी बोलते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। चलो तो क्या होती है समावयवता, अपन ने डिस्कवर किया, अपन ने देखा, अपन ने खोज किया कि दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका कलर डिफरेंट मिला, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मिला, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट मिला, ऐसे कैसे भाई, जब एक ही मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये डिफरेंट क्यों हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट था। फिर चेक किया केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आई, फिजिकल डिफरेंट आ गई, केमिकल सेम आ गई और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ऐसे कैसे हो गया भाई? तो फिर पता चला या तो उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, या ज्योमेट्री डिफरेंट थी, या फिर उसकी 3D अरेंजमेंट डिफरेंट था। तो लोगों ने एक नई चीज़ डिस्कवर की कि ये दोनों मॉलिक्यूल भले ही सेम दिखते हो लेकिन इनको एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं बोलूंगा, ये आपस में क्या है, आइसोमर है, आपस में क्या है, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आपस में क्या समावयवी है ये। तो एक नई चीज़ आई मार्केट में, समावयवता, सेम ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या था, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए चर्चा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म है क्या चीज़, तो आइसोमेरिज्म एक्चुअली आइसोमर से बना हुआ है, समावयवता समावयवी से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो अणु जिनका आणविक सूत्र समान है लेकिन लेकिन उनका ये तो 3D अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री डिफरेंट मिलती है उनकी, या तो संरचना अलग पाई जाएगी या ज्यामिति अलग पाई जाएगी या फिर त्रिविम व्यवस्था अलग पाई जाएगी, तो उसको क्या नाम दिया गया है, वापस मॉलिक्यूल क्या है, उनको क्या बोला जाएगा, समावयवी, आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, इस विधि को क्या नाम दिया गया है, इस कंपैरिजन को क्या नाम दिया गया है, आइसोमेरिज्म। एक प्रॉपर्टी है जो दो मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं उनको कंपेयर करवाती है और उनके बारे में कुछ चर्चाएं करती है, उसके बारे में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन डेफिनेशन, परिभाषा। नो डाउट यार, इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ऑर्गेनिक में जितना था उससे ज़्यादा। तो मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल्स, राइटिंग थोड़ी खराब तो है ही नो डाउट, पर मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, दोज मॉलिक्यूल हुज मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री और 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, दे आर नोन एज आइसोमर, नोन एज, एंड दिस फिनोमिना, दिस मेथड एंड दिस प्रोसेस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। मैं एक बार हिंदी में और बोलूंगा इस चीज को, वे मॉलिक्यूल जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना, ज्यामिति अथवा 3D अरेंजमेंट, त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो, तो उनको आपस में क्या बोला जाता है,
समावयवी, और इसी गुण को, इसी इसी प्रॉपर्टी को, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को, इसी विधि को क्या नाम दिया गया है? आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हाँ, एक ऐसी चीज जो तुम्हें सारा आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन वो पॉइंट नहीं आता ना, सब बराबर है, सब बराबर कुछ नहीं आता भाई, सब बराबर का मतलब ये है, हिसाब किताब सब बराबर, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो बच्चों को नहीं पता होता, हाँ, वो एक पॉइंट तीन बातें रखता है, उन तीनों बातों में से एक बात तो इस डेफिनेशन में, इसलिए सबको पता रहती है वो पहली बात तो, लेकिन बच्चे को दो बातें पता नहीं होती, बच्चे और वहां जाके गलत होते हैं, और वो दो मॉलिक्यूल जो आपस में आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करते हैं, और बच्चा ढूंढने लग जाता है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा इस बात को ढूंढ रहा है, खोज रहा है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, लेकिन वो आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करते, वापस में आइसोमर्स है ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी लॉजिक होता है, कि ऐसा कुछ भी देखना पड़ता है, कि ऐसा कुछ ढूंढना पड़ता है क्या। तो बेसिकली सबसे पहले जो दो आइसोमर हैं जो आइसोमेरिज्म सो करना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनमें जो सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन जो है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था समान होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कॉम्प्लेक्स बना है, जो कॉम्प्लेक्स संकुल बना है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसंयोजन संख्या है, वो सेम होनी चाहिए जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, यानी इनमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सेम नहीं है इनमें से कोई भी एक, कोई भी एक, तीनों तो अलग बात होगी, कोई भी एक सेम नहीं है, तो आइसोमेरिज्म सो ही नहीं करेंगे, कहानी खत्म। तो प्लीज आप चेक करें, और यदि वो सेम है तो आगे मूव करें ना, आगे चलें कि भाई हाँ चेक करना है, यदि ऐसा नहीं है तो सीधा लिख दो इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं, दूर दूर तक तो कोई वास्ता ही नहीं इनमें, ठीक है, भले एक जैसे दिखते हो। चलो तो बच्चा ये गलत करता है, आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले है मॉलिकुलर फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन स्टेट और CN ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड बी सेम। For isomerism. तो ये सेम होना चाहिए isomerism के लिए। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसकी वैरायटी की। तो देखते हैं आपने ऑर्गेनिक में जो टाइप्स पढ़े थे उसकी वैरायटी और इसकी वैरायटी में क्या डिफरेंस है, कितना अलग है। तो सबसे पहले लिखता हूँ सेंटर में isomerism। isomerism को दो तरह से क्लासीफाई किया है, दो वैरायटी में क्लासीफाई किया है। पहली वैरायटी दैट इज स्ट्रक्चरल isomerism। स्ट्रक्चरल मेरिज्म। सेकेंड वेराइटी इज, दिस इज द फर्स्ट वेराइटी एंड सेकेंड वेराइटी इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है, इनको फिर क्लासीफाई किया गया है, इसमें सबसे पहली वेराइटी इनको भी क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहली वैरायटी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, चलो सेकंड वैरायटी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। थर्ड वैरायटी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वैरायटी लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड फिफ्थ वैरायटी लिगेंड। अब देखो लिगेंड जो है, देखो पहली जो पांच है, इन पांच में पहली जो चार है वो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, और फिफ्थ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको हो सकता है सिक्स्थ भी कहीं मिल जाए, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहले चार पे बनते हैं, तो आपको वो चार आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। इसी फिर दो वैरायटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पहली वैरायटी एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनना मेरी बात, ज्योमेट्रिकल के बारे में आपने सुना हुआ है क्या, सिस ट्रांस वाला, वो यही है। ऑप्टिकल में आपने सुना होगा डी एंड एल फॉर्म,
डायस्ट्रो एंड लिवो फॉर्म, वो भी यही है ऑप्टिकल वाला, तो कहीं ना कहीं सेम है, ये तो चीज़ें सेम आ गई लेकिन ये कुछ डिफरेंट है वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसमें था चेन था, पोजिशन था, लटरम चट्रम, टोटोमेरिज्म जो भी था वहाँ पर वो था, यहाँ पर ये वैरायटी है, फंक्शनल ग्रुप था वहाँ पर अलग वैरायटी थी, यहाँ पर ये वैरायटी है, तो आपको ये सारी वैरायटी बढ़िया से करनी है, बस ये डिफरेंस है, ये सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, तरीके तौर तरीके, देखने का तरीका, समझने का तरीका, क्वेश्चन का तरीका, सब कुछ सेम आने वाला भाई, सीधी सी कहानी है, तो ये ढंग से समझ लियो और इसे बहुत अच्छे तरीके से कुछ अलग वे में अपन समझेंगे इनको। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रखें, देखते रहिए नवीन जोशी सर को और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर को भी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।